आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल में जेवीटी एलटी शास्त्री प्लंबर और इसके अलावा प्यून माली क्लर्क की पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी अब आपको रेगुलरली जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन अपने व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में तो आप हमारे इन दोनों ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ग्रुप्स के लिंक आपको मिल जाएंगे हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कैंटोनमेंट बोर्ड जतोग कैंट शिमला हिमाचल प्रदेश में होने वाली भर्तियों की। यहां पर कुछ पद भरे जाने वाले हैं। अगर बात करें यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो 5 पद भरे जाने वाले हैं जतोग कैंट में। पहली पोस्ट रहेगी जेवीटी, इसका एक पद भरा जाने वाला है। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत सारी उन्होंने बता के रखी हुई है। इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए, आपके परसेंटाइल 12वीं में 50% होना जरूरी है। और इसके अलावा आपने जेवीटी का कोर्स या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए आपका स्केल क्या रहने वाला है। तो लेवल 8 रहेगा जो कि बनता है 29,700 रुपए से लेकर 94,100 रुपए। अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट, इसका एक पद भरा जाएगा। और इसके लिए आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में या इट्स इक्वलेंट होने चाहिए। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी का। स्केल आपका 8 यहां पर भी रहने वाला है। अगली पोस्ट यहां पर है एलटी मतलब कि लैंग्वेज टीचर की, इसका एक पद भरा जाएगा। और आप बीए विद हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट में होने चाहिए, 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए या आपने बीए की हुई होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। हिंदी आपका इलेक्टिव होना चाहिए और साथ में आपने 1 साल का डिप्लोमा या आपने बीएड की हुई होनी जरूरी है। अगली बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की, तो वो रहने वाली है। लेकिन पोस्ट के बारे में बात करने से पहले देखिए, आपके अगर एग्ज़ाम हिमाचल में चल रहे हैं, चाहे वो HPSSC के हो, चाहे वो HPPSC के हो, चाहे वो HP हाई कोर्ट के हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए आपको GK पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही सॉलिड ई-बुक बना के रखी है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ कवर अप मिल जाएगा, HPGK, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियो, साइंस, इवन आपको करंट अफेयर की ई बुक भी मिल जाएगी जस्ट ₹79। आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चाहे तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। आपको पता है एग्जाम आपके बहुत सारे होने वाले हैं, तो लिंक आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज बाय करनी होगी तो आप उन लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं और आपको ईमेल के माध्यम से आपकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पे स्केल लेवल 9 यहाँ पर रहने वाला है। शास्त्री का एक पद भरा जाएगा, अनरिजर्व रहने वाला है। इसके लिए आप शास्त्री होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ और आपका टेट शास्त्री में पास हुआ होना जरूरी है। पे स्केल आपका 9 यहाँ पर भी रहने वाला है। प्लम्बर का एक पद भरा जाएगा और इसके लिए आप मतलब कि पोस्ट अनरिजर्व रहने वाली है और आप हायर सेकेंडरी पास आउट होने चाहिए, मतलब कि 10वीं पास आउट होने चाहिए और ITI आपने की हुई होनी चाहिए प्लम्बिंग में और 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पे लेवल 3 आपका रहने वाला है। एज आपकी यहाँ पर 21 से 30 वर्ष रहेगी। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व के लिए 500 रुपीज़, SC ST के लिए 300 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा 21 जनवरी 2023 तक। नोटिफिकेशन का लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, अप्लाई करने के बाद फीस देने का लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड जॉब नोटिफिकेशन की, जो कि है कैंटोनमेंट बोर्ड दक्षिणी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी इस तरह के पद भरे जाने वाले हैं। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो दक्षिणी में भी 5 पद भरे जाने वाले हैं। RMO का एक पद भरा जाएगा, अनरिजर्व रहेगा। इसके लिए आप MBBS होने चाहिए और पे स्केल लेवल आपका 18 रहने वाला है। सेकेंड पोस्ट फार्मासिस्ट एलोपैथी, एक पद भरा जाएगा, अनरिजर्व रहेगा। 12वीं पास आप साइंस स्ट्रीम में होने चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए। पे स्केल लेवल आपका 8 यहां पर रहने वाला है। क्लर्क का एक पद भरा जाएगा, SC के लिए रिजर्व रहने वाला है। आप 12वीं पास होने चाहिए, टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज में। आपका पे स्केल लेवल 3 यहाँ पर बताया गया है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। माली का एक पद भरा जाएगा, यह पोस्ट SC के लिए रिजर्व रहने वाली है। आप 8वीं पास होने चाहिए और आपको गार्डनिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। पे स्केल लेवल 1 यहाँ पर रहने वाला है।
पियून का एक पद भरा जाएगा, यह भी एससी के लिए रिजर्व रहेगा और आप 10वीं पास होने जरूरी है। पे स्केल लेवल आपका एक रहेगा। एप्लीकेशन फीस रिजर्व अनरिजर्व के लिए बिल्कुल सेम रहने वाली जैसा पहले था जतोग में। लास्ट डेट 20 जनवरी रहने वाली है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं ग्राम रोजगार सहायक की पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। तो कार्यालय विकास खंड अधिकारी विकास खंड करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में यह पद भरा जाने वाला है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और एक पद यह भरा जाने वाला है। इसके लिए आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का अनुभव होना जरूरी है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ होना चाहिए और आपकी राज्य सरकार और ग्राम पंचायत में कोई भी देनदारी नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 18 साल कम से कम होना जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जितनी परसेंटाइल आपकी प्लस टू में होगी तो आएगा और मैक्सिमम 50% मतलब 50 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। इसके बाद आपको अगर आपका कॉमर्स रहा है, इकोनॉमिक्स रहा है, मैथमेटिक्स रहा है, तो उसके भी आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाने वाले हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो यहाँ पर आपके 5 नंबर उसके रहेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन का 1 साल का कोर्स है तो उसके भी आपके यहाँ पर 12 नंबर रहने वाले हैं। एक्सपीरियंस के भी नंबर आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। तो आप अगर इसके लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई भी इस पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हो तो वो साधारण कागज पर अपने दस्तावेजों की एक प्रति, ठीक है, जो आपके दस्तावेज रहेंगे आपके शैक्षणिक, कंप्यूटर कोर्स एक्सपीरियंस, SC ST BPL, अपंग, खंड विकास का स्थायी निवासी, हिमाचली प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको उस कोरे कागज में अपना सब कुछ लिखकर ऐड करके डालना है, पोस्ट करना है, बाय हैंड जमा कर सकते हैं 26/12/2022 तक खंड विकास अधिकारी खंड विकास खंड करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश शाम के 5 बजे तक। और ईमेल के माध्यम से दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तब इसके लिए अपना